सिविल लाइन स्थित महाकौशल कॉलेज में बने मतदान केंद्र में अंतिम दौर में हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया और फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर दी। बाद में सूचना पाकर जब पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो प्रदर्शन कर रहे युवाओं को बाहर किया गया। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होना था और मतदान समाप्त होने के 15 मिनट पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाकौशल कॉलेज के पोलिंग बूथ में घुसकर जमकर हंगामा किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में फर्जी मतदान हो रहा है। इस दौरान पुलिस के एक सिपाही से धक्का मुक्की भी की गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रमेश कौरव और सीएसपी आरडी भारद्वाज ने भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर पोलिंग बूथ से बाहर किया। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए कहा कि पुलिस को दबाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जगह मौजूद है, सभी पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, फर्जी वोट भी नहीं होने दिए, इसलिए बौखलाहट में अब वो मारपीट पे उतारू हो रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमने धैर्य रखने को बोला अपने कांग्रेस के साथियों को, वहीं पुलिस प्रशासन पे भी वो दबाव बना रहे हैं और पुलिस निरंकुश होके उनके दबाव में आ रही, उनकी बदतमीजी झेल रही है। यहाँ तक कि उनके साथ तो बड़ा अभद्रता भी हुई है आज पुलिस के साथ, लेकिन कितनी लाचार हो गई है पुलिस इस मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में। महाकौशल कॉलेज के सामने देर तक तनाव की स्थिति बनी रही।